केंद्र सरकार मिट्टी की पोषकता बचाने के लिए प्राकृतिक खेती पर फोकस कर रही है। ऐसे में इस क्षेत्र का विस्तार भी हो रहा है और प्राकृतिक खेती की पढ़ाई करने वाले और इसकी ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं और प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ रही है। खास बात यह है कि 12वीं के बाद प्राकृतिक खेती में नेचुरल फार्मिंग में ग्रेजुएशन किया जा सकता है। इस क्षेत्र में पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी के साथ ही निजी क्षेत्र में बड़े पैकेज वाली नौकरी भी मिल जाती है, जबकि खुद भी प्राकृतिक खेती करने और बिजनेस बनाने का भी ऑप्शन है। वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में 4 साल के लिए बैचलर ऑनर्स कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें 12वीं के बाद एंट्री ले सकते हैं। अब जानते हैं वाईएस परमार यूनिवर्सिटी के प्राकृतिक खेती में बैचलर कोर्स के बारे में जरूरी डिटेल। कोर्स का नाम है नेचुरल फार्मिंग स्नातक ऑनर्स। ये 4 साल का कोर्स है। नॉर्मल सीट के लिए इसमें 35,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस है। एडमिशन योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। इसी तरह उत्तर प्रदेश का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी 12वीं पास छात्रों के लिए एग्रीकल्चर में बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई का मौका दे रहा है। दूसरे कृषि विश्वविद्यालयों और निजी कृषि कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की पढ़ाई ऑफर की जा रही है, जहाँ औसत फीस 23,000 रुपये से 1,50,000 रुपये के बीच है। तो इस वीडियो में इतना ही। खेती किसानी में पढ़ाई से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है।